स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा। मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं आधा साहित्य आधा मीडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं कारवां गुलाम रूहों के युवा लेखक अनमोल दुबे जी। इनकी किताब कारवां गुलाम रूहों की, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है अनमोल जी आपका हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, जो आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया। तो अनमोल जी, बिना समय की बर्बादी के हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी जी अनमोल जी, जैसा कि मुझे पता चला है आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी तो मेरा प्रश्न आपके व्यक्तिगत जीवन से होगा। जी, आज के समय अधिकतर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। जी जी तो आपने इस दौर में पत्रकारिता को क्यों चुना? देखिए, पहली चीज तो क्या है कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई पत्रकार बनना चाहता है, कोई आईएएस बनकर या सिविल सर्विस में जाकर देश की सेवा करना चाहता है। सबकी एक सबसे पहले तो सोच और पसंद अलग अलग होती है। बाकी मेरे साथ ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि मैं भी इस इंजीनियर और डॉक्टर के दिखावे की चमक भरी दुनिया में नहीं आया। मेरा भी मन किया था एक टाइम जब ट्वेल्थ की थी कि मैं भी इंजीनियर करूँगा। एक उत्तर प्रदेश UPTU का टेस्ट होता है, टेस्ट को दिया था और कानपुर में कोई अब्दुल कलाम आज़ाद जी के नाम से एक संस्थान है, उसमें मेरा हुआ भी था। लेकिन क्या हुआ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि एकाएक मन नहीं हुआ कि वहाँ जाने का, कुछ अलग करने का मन था। और मेरे साथ एक दिक्कत है कि मैं जो 10 से 5 वाली हमारी नौकरी होती है, सुबह से आप ऑफिस जाएँ और 5 बजे तक काम करें और ऑफिस घर आ जाएँ, तो इसमें खास मन नहीं लगा कुछ, ठीक है उस टाइम। और पेपर्स की बात कुछ फ्री था तो लिखने का शौक हुआ, तो तभी पता चला कि एक पत्रकारिता की पढ़ाई जो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म होती है, इसके बारे में जानकारी तो पहले से भी थी लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करूँगा। एकाएक मन में आया और बात की, जब पता किया तो उस समय सीट थी कुछ, तो मैंने इसका अप्लाई कर दिया और उस समय आया। तो मन में कुछ यही चीज़ थी कि कुछ अलग करना है, इसलिए मैंने पत्रकारिता में ज्वाइन किया। तो मेरा दूसरा प्रश्न भी आपसे आपके व्यक्तिगत जीवन से होगा। जी जी। साहित्य की ओर झुकाव में दादा दादी और नाना नानी का कितना योगदान था? देखिए, साहित्य की ओर तो सबसे पहला जो कदम होता है वो घर वालों का ही मेरे सहयोग रहा है। और जहाँ तक कहानी लिखने की या कहानी गढ़ने की जो बात करें, हमें साहित्य में रुचि रखने की बात करें, तो इसके पीछे दादा दादी नाना नानी का ही योगदान कहेंगे। क्योंकि जब बचपन में मुझे कहानी सुनने का बड़ा शौक होता है, जैसे कि बच्चों को होता ही है कि दादा दादी नाना नानी के पास पहुँच जाते हैं रात के समय या सुबह समय की कहानी सुनाइए कहानी सुनाइए, उस तरीके मुझे भी शौक था, तो उनके साथ कहानियाँ सुनाया करती, दादी कहानियाँ सुनाया करती। तो कभी कभी क्या हो जाता था कि दादी कहानी सुनाते सुनाते खुश हो जाती थी या मैं नहीं सोता था, तो उसके बाद उन कहानियों को जोड़ तोड़ के एक अलग सी कहानी बनाने का वहाँ से शौक जागा। अलग अलग कहानी बना के कुछ अच्छी, कुछ मतलब कि उतनी स्तर उस स्तर की नहीं बना पाते थे, लेकिन बना के कोशिश की, सुनाते थे तो वो लोग बड़ा प्रोत्साहित करते थे कि अरे बहुत अच्छी कहानी, चाहे वो कहानी अच्छी ना हो लेकिन फिर वो लोग तारीफ करते थे। तो इस जगह से फिर कहानी गढ़ने का या साहित्य को बनाने का योगदान रहा और उन लोगों का बहुत योगदान रहा साहित्य को बनाने के लिए। अब आते हैं आपकी किताब की चर्चा पर। जी जी तो मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा कि आप पत्रकारिता की विद्यार्थी हैं लेकिन आपका झुकाव साहित्य की ओर अधिक है। जी जी तो कब लगा आपको कि अब बहुत पढ़ लिया लोगों को, अब अपना कुछ लिखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं पीछे से इस क्वेश्चन को आंसर देना स्टार्ट करूँगा। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, और मैंने अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा है। और बहुत बड़ा हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा संसार है और बहुत कुछ लिखा जा चुका है इसके अंदर। मैं तो एक रत्ती मात्र भी नहीं पढ़ा है अभी, मैं तो अभी लगा हुआ हूँ पढ़ने में। तो ऐसा मुझे कभी ये बहम नहीं हुआ है कि मैंने बहुत पढ़ लिया, ना अभी मैं पढ़ा ही नहीं हूँ तो बहम कहाँ से हो गया इसे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ और तो पत्रकारिता और साहित्य दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि दोनों का काम एक ही है, समाज का आईना दिखाना। साहित्य, जो हिंदी साहित्य या हमारा साहित्य काम करता है कि हमारे समाज में जो घटनाएँ घट रही हैं उन्हें जस का तस लिख कर, या जो साहित्यकार होता है वो अपनी कहानियों के माध्यम से गढ़ कर और जनता तक पहुँचाता है, उन्हें दिखाता है कि कैसा क्या चल रहा है हमारे यहाँ पर और क्या होना चाहिए। वैसा ही सेम काम मीडिया का भी होता है कि जो हमारे समाज में क्रूरतियाँ चल रही हैं, जो समाज में बुराइयाँ चल रही हैं, जो समाज को ज़रूरत है जिन मुद्दों की, उन मुद्दों को सरकार तक पहुँचाना, तो दोनों एक ही तरीके की चीज़ें हैं। तो साहित्य के साथ ऐसा हुआ कि कहानी लिखने का विचार शौक था बचपन से ही, लिखता था कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कभी कोई स्टोरी लिख दी, कभी कोई सीन लिख दिया, उन सब चीज़ों को लिखने के साथ जब कुछ संकलन हो गया तो
सबसे पहले परिवार का ही सहयोग रहा, तो बड़े भाई या बहन या माँ बाप जो भी थे उन्होंने पढ़ी किताब या कहानी पढ़ी तो उन्हें अच्छी लगी। तो ऐसे ही जब सहयोग में बढ़ते गए, आप जैसे दोस्त आए तो उसने कहा इसको छपना चाहिए। ऐसे ही सहयोग से जब चाचा जी हैं मेरे एक पंडित आलूचरण मनोहर, उन्होंने कहा कि इसकी किताब छपनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कुछ बात की और कुछ लोग हैं भाई समान हैं, बड़े भाई समान हैं पंकज पंडित ललितपुर जी, उन्होंने फिर एक राजमंगल प्रकाशन से बात कराई, उन्होंने किताब मतलब कहानियाँ भेजी, उन्हें कहानी बड़ी पसंद आई। उसके बाद आज ये किताब आप लोगों के सामने है और एक छोटे से सफर रहा किताब छपवाने का। आपसे हमारा अगला प्रश्न होगा जी, जी क्या वास्तव में कहानी की घटना और उसके पात्र आपके आस पास के हैं? देखिए जो जब आप कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है, आप कुलदीप भैया ने भी जो पहली लाइन लिखी है इस किताब के ऊपर, जब आप देख सकते हैं कि अनमोल की कहानी किताब अपने से लगते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि जो मैं चीज़ें देख रहा था आसपास की, जो आज समाज में बदलाव हो रहे हैं, आज जो घटनाएँ घट रही हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने कहानी लिखी। चाहे आप पहली कहानी ले लें, जब आप पहली कहानी को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे साथ आज हो रहा है कि आधुनिकता की दौर में व्यक्ति पैसे कमाने की व्यक्ति के अंदर लालसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उस व्यक्ति को लग रहा है बस पैसा ही पैसा कमाना है। या फिर व्यक्ति को लग गया है, कई लोग मेरे साथ वाले दोस्त हैं या कई जानने वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि मुझे भारत में जॉब करना ही नहीं है, मुझे भारत में रहना है, मुझे विदेश जाना है, ठीक है। तो विदेश जाने की जो चाहत व्यक्ति के अंदर पनप रही है या जो प्रबल हो गई है विदेश जाने की चाहत, तो ये बड़ी घातक है। इसमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या रिश्ते मर रहे हैं या आपके संबंध वो कैसे हो रहे हैं, ये सब चीज़ें जो देखने को मुझे मिली या आनंद हो गया, उन सब चीज़ों को एक कहानी का रूप दिया और आप लोगों के सामने परोसा। चाहे आप दूसरी कहानी देखें तो आए दिन अखबारों में घटनाएं निकलती हैं, तो इन सब घटनाओं को पढ़ के मैं चूँकि आप जानते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में बुरा है तो खबरें देखने को मिल जाती हैं। तो मूलतः इन कहानियाँ अधिकतर घटनाओं पर कहानियों पर आधार रहते हैं। चाहे आप पहली कहानी देख लें, दिल्ली में घटना हुई थी कि एक या फिर ऐसी अपनी दूसरी वाली घटना है जो मिलती रहती है आपको कहानी करना है, तो इन्हीं सबसे एक आइडिया आया। और हाँ आसपास से आप कह सकते हैं कि जो देखा सुना पड़ा, जैसे आपकी दूसरी कहानी है मोहित और नेहा की, एक प्रेम कहानी है जिसमें सोशल मीडिया का एक अहम रोल रहा है जी जी, ठीक है। तो आज के आधुनिक प्रेम में आप सोशल मीडिया को किस तरीके से देखते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो सोशल मीडिया है दोधारी तलवार होती है, ठीक है। तलवार दो प्रकार की होती है, एक धारी होती है जो सीधा करती है, दोधारी होती है, ठीक है। तब दोधारी तलवार को आप करेंगे, चाहे आप उस पर करेंगे चाहे वो आप करेंगे, तो कटना तो आपको ही है, ठीक है। या फिर आप जब उसका प्रयोग करके दूसरे पर हमला करने के लिए करते हैं तो वो आपके लिए सकारात्मक प्रयोग करती है। तो इसी तरीके से कि अगर आप तलवार का उपयोग ढंग से कर रहे हैं तो वो आपको भलाई का काम करेगी, और अगर आप उसका ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो आपका ही हाथ काट देगी। और जिसकी आप प्रेम के लिए अगर आप इसकी बात करें तो पहले तो एक बात है कि तीनों कहानी प्रेम की हैं, तीनों कहानी। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक समय था हम लोगों से पहले का जो समय हो था, उस समय क्या होता था कि प्रेम पत्र लिखे जाते थे, प्रेम पत्र पहुँचाए जाते थे, पहले डाक पहले कबूतर से प्रेम पत्र पहुँचाए जाते थे, उसके बाद फिर नया दौर आया तो उसके बाद डाकिये से भिजवाने लगे। तो अब लेकिन जब क्या हो गया कि अब पत्रों का जब चलन ख़त्म हो गया है, तो आज के लिए सोशल मीडिया में ऐसा हो गया है कि आप देश में कहीं पर बैठे भी या विदेश में भी आप तो एक क्लिक से आप एक मेल के जरिए आप अपनी पूरी बात पहुँचा सकते हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया का अच्छा सकारात्मक प्रयोग है, ठीक है। इसके अलावा आप एक घटना आई थी रानू मंडल जी की घटना आपने सुनी होगी, तो सोशल मीडिया ने उन्हें एक दिन में ही स्पष्टता बना दिया था। तो सोशल मीडिया इस तरीके से अच्छी है, लेकिन कई घटना देखी जाती हैं कि एक घटना हुई थी उसमें सोशल मीडिया के चलते ही एक बड़ी मॉब लिंचिंग हो गई थी, तो चीज़ें भी हो जाती हैं। तो वही मैं बाद में कहूँगा कि सोशल मीडिया दुर्धारी तलवार है, आप जिस जिस तरीके से इसे उपयोग करते हैं, अगर आप इसे सकारात्मक रूप में उपयोग करते हैं तो आपके दुश्मनों को मारेगी, और आप इसे से उपयोग नहीं करते हैं तो आप कहीं हाथ काट देंगे। मेरा आपसे अगला प्रश्न कि जब आपने जी जी विचार किया कि मैं आप किताब लिखूंगा, ठीक, या सोच रहे थे जिस समय आपके मैं किताब लिखने वाला हूँ, तो उस समय आपके जहन में वो कौन से लेखक थे जिनको आप रोल मॉडल लेके चल रहे थे कि मैं इनके तरह की किस तरह से किताब लिखना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो क्या है कि मेरे दिमाग में कभी विचार नहीं आया था कि मैं किताब लिखूंगा या लिख पाऊंगा, ठीक है, तो ऐसी तो नहीं थी। लेकिन हाँ कहानी लगता था, तो ऐसा कोई रोल मॉडल तो नहीं था ना किसी के जैसे बनने की मैंने कभी कोशिश की है। अगर आप ये करें कि मैं कहानियाँ क्यों लिखता था, तो एक शो आता है अभी भी आता है, याद से
आडो का आइडिया बेस्ट बॉक्स न्यूज मीडिया के साथ शहर का, ठीक है, बिग एफएम पे आते हैं। तो उनको मैं बचपन से सुन रहा हूँ, नीलेश मिश्रा सर को, तो हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि एक बार उनके शो में मेरी कहानी जाए और वो एक बार कहें कि आज नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा, मैं कहानी सुनाता हूँ और मैं आपको आज अपनी मंडली के लेखक अनमोल द्वे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बस इस चीज़ को सुनने के लिए मैंने कहानियाँ लिखी थी और बाद में कहानियाँ लोगों को पसंद आई तो एक किताब के रूप में है। तो रोल मॉडल तो मैं किसी को नहीं मान के नहीं किया क्योंकि मैं किसी के जैसे बनना नहीं चाहता था, मैं बस यही चाहता था कि मैं जो दे सकूँ अपना बेस्ट दे सकूँ। तो क्या इन तीनों कहानियों में से कोई किरदार अनमोल का है? नहीं, मेरा कोई किरदार नहीं है इसमें से, बस जो कहानियाँ आसपास की देखी मैंने, जब मैं जैसे मैं पहले ही आपको उसने बता चुका हूँ कि जो चीज़ें मैंने देखी आसपास एब्जॉर्ब की, उन्हीं चीज़ों को मैंने बस अपने शब्दों में उतारने की कोशिश की है, बाकी मेरी जिंदगी में से कोई घटनाएं नहीं है। आपके जीवन का वो वाक्या जो आपको बेहद याद रहता हो? देखिए, ऐसे वाक्या तो कई सारे हैं जो बेहद याद रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई शिखर पर रहता होगा। एक वाक्य, ऐसे तो कई सारे वाक्य हैं लेकिन एक अभी आपने ऐसी बात की तो अभी रास्ते में तीन भाई चले आ रहे थे साइकिल से, ठीक है, छोटे छोटे भाई, तो उसको ही देख के मुझे एक बचपन की कहानी याद आ गई है। वाक्य ऐसा था कि मैं और बड़े भैया राहुल दुबे और बीच वाले लाल, तीनों लोग, हम लोग बहुत बचपन की बात है, बहुत छोटा था, ठीक है, तो साइकिल से जा रहे थे, घर के पास में कीचड़ था तो उस तरफ से हम लोग, इस तरफ से भैया ने कहा निकल जाएगी साइकिल, मैंने कहा हाँ निकल जाएगी, मुझे आप लोग विश्वास है, तो इस तरफ से निकल गए हम लोग। उस तरफ से क्या हुआ कि बिस्किट लेने के लिए जा रहे थे हम लोग, ठीक है, तो बिस्किट लेके जब आए उस तरफ से तो एक मोटरसाइकिल वाला, उस टाइम मोटरसाइकिल भी कम हुआ करती थी गाँव क्षेत्र में, ठीक है, तो मोटरसाइकिल हॉर्न मारते हुए निकला, उसकी उनकी भी नहीं मिली मोटरसाइकिल तो उसे भी शौक था। अब चूंकि ये इक्वेट हो गया हम लोगों का कि अरे हम लोगों से, हम लोग आगे जा रहे थे, किसी ने कैसे निकाल दिया, मैं भैया से कहा नहीं भैया मोटरसाइकिल साइकिल निकली, भैया ने कहा नीचे निकलेगी, कीचड़ बहुत जाना था, लेकिन उस तरफ से क्या था कि जब उस तरफ से आया तो ढलान थी तो आराम से निकल आई थी, लेकिन उस तरफ से ऊंचा चढ़ना था। भैया बोले ठीक है निकलेगा, बोले निकल निकलेगा, हमने कहा निकलेगा, निकाल दो तेजी से लेगा, पत्थर पे साइकिल का पिछला टायर चला और साइकिल, ठीक है, सबसे नीचे बीच वाले भैया, उनके ऊपर में मेरे ऊपर बड़े भैया, ऊपर से साइकिल। तो ये वाक्य जो है मुझे बहुत ज़्यादा याद रहता है और हमेशा मैं इसे याद करता रहता हूँ। तो ऐसे और कई सारे वाक्य हैं जिसकी, अगर आप अभी किताब के लिए वाक्य की बात करूँ, मैं कुछ दिन पहले अभी छोटे भाई को दिल्ली छोड़ने के लिए गया था। जी, देखा था मैंने पोस्ट आपका। जी जी जी, तो वहाँ पर मैं गया तो जो हॉस्टल का मालिक था, पीजी के मालिक थे, कृष्णा नाम उनका, वो आए, वो अनमोल जी मैं तो आपकी किताब ऑर्डर करने वाला था और मैं तो आपको पढ़ने वाला था, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। वाले तो ऐसी अगर चीज़ें मिलती हैं तो बड़ा खुश होता है कि व्यक्ति नए वाले हिंदी को पहचान रहे हैं। अनमोल जी, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न यह होगा कि किताब को लिखने में अहम रोल किसका रहा? देखिए, एक व्यक्ति का तो मैं नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर अहम रोल रहा मेरी किताब को लिखवाने के लिए। सबसे पहले तो क्या रहा कि सबसे पहली चीज़ तो सबसे अहम रोल मेरी माँ का ही रहा, जिन्होंने मुझे एक चूल्हा, दो चूल्हा और एक डंडा, बड़ा डंडा करके आ बनाना सिखाया, ठीक है, तो सबसे पहला तो अहम रोल उनका ही है। उसके बाद भाई बहन का रोल रहा कि जिन्होंने हिंदी पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। और किताब की अगर हम बात करें तो किताब के लिए सबसे अहम रोल तो सबसे पहले राहुल चाचा का रहा कि राहुल चाचा ने किताब लिखने का कहा, किताब लिखो, प्रेरणा दी। उसके बाद दोस्तों का अहम रोल रहा, चाहे रूपन हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे निशा हो, लोगों का बड़ा अहम रोल रहा है कि उन्होंने मदद किया। और एक व्यक्ति और है जिनका बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा ही बड़ा अहम रोल रहा है, कुलदीप भैया का भी बहुत अहम रोल रहा है कि उन्होंने किताब को पढ़ी और बताया कि क्या क्या कमी है, कैसे करना है। एक मेरे चाचा हैं कुलदीप त्रिपाठी, उनका इसमें बहुत अहम रोल रहा है। जब मैंने इसको किताब को लिख लिया, इसका प्रिंट आउट निकाला और उन्होंने कहा कि चाचा इसको आपको पढ़ना है और इसमें गलतियाँ निकालना है, पांडुलिपि उनके पास ले गया, तो मैं उनके पास ले गया तो रात के 10 बजे से उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया और सुबह तक उन्होंने पूरी किताब पढ़ी है, उसने किताब पर काम किया। मुझे सुबह फ़ोन लगाते हैं, बोले अनमोल आओ, मैं उनके पास गया, मैंने किताब खोली तो उस पर पूरे पे गोला 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 पूरे पे लग गया। तब मैं क्या है, बोले ये गलतियाँ हैं तुम्हारी पूरी, मतलब जिस तरीके से टीचर एक कॉपी को चेक करता है, उन्होंने पूरे उस तरीके से कॉपी को चेक किया था। और हमेशा जहाँ जहाँ मैं अटकाया, जहाँ जहाँ मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई थी कैसे करूँ, तो दीपक चाचा ने, कुलदीप चाचा ने हमेशा उस चीज़ को बताया कि इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, और वो एक तरीके से पहलू है पहलू उन्होंने किया। तो कई सारे लोगों का इसमें अहम रोल रहा है,
और एक सबसे बड़ा रोल तो मेरी पार्टी को कराया, जो मेरे ब्लॉग को पढ़ते रहे हों चाहे मेरी कहानियों को पढ़ते रहे हों, जिन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित किया कि लिखिए उसके लिए। आपकी कुछ पंक्तियाँ आपके पाठकों और हमारे दर्शकों के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाठकों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप इतना सराह रहे हैं इस किताब को, अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और पाठकों के बीच में आए हुए, और आपने इसे बहुत प्रेम और उत्साह दिया है। दूसरी, मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा आपको कि नई वाली हिंदी को पढ़िए और साहित्य को पढ़िए, क्योंकि साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो आपको समाज का आईना दिखाता है, जिसके लिए आप सब साहित्य से जुड़िए। नई वाली हिंदी एक दोबारा से, हिंदी का भी कुछ समय पहले हिंदी का चलन बिल्कुल ख़त्म हो गया था इंग्लिश वाली साहित्य, अब जब से दिव्यकाश दुबे या फिर सत्यव्यास जी, ये लोग जो भी आए हैं, सब से आए हैं, कुलदीप राठौर सर, अंगिता मैम, ये सब लोग आए हैं, तो इन लोगों ने एक नई वाली हिंदी को क्रेज़ दिया है। तो इन लोगों को पढ़िए आप, मैं नहीं कहता हूँ कि आप मुझे ही केवल पढ़ें, आप इन लोगों को पढ़िए, इनसे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपका जो ज्ञान की जो स्तर है वो कहीं जाना पुनः बढ़ जाए। तो विदा लेते हैं आप सबसे, हमारे साथ थे अनमोल दुबे जी, लेखक कारवां गुलाम रूहों का। अगर आधुनिक प्रेम को समझना है तो कारवां गुलाम रूहों का पढ़ना है, जरूर पढ़ें इस किताब को और बताएंगे कैसी है। तो अनमोल जी, आपको इस किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत जी। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम था धर्मेंद्र और हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं शिवम सिंह बघेल और श्वेता सिंह। नमस्कार।